आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है दोस्तों? आप अपने व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कैसे कर सकते हैं? बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, तभी आप जाकर समझ पाएंगे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार चौधरी और टेक्निकल डेली चैनल में आपका स्वागत है। सो हे गाइस, चलिए जानते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है। दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन एक सिक्योर है जो कि सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाता है। जो कि टू स्टेप वेरिफिकेशन हम व्हाट्सएप एंड ईमेल आईडी में इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद में क्या होता है दोस्त कि हमारा अकाउंट कोई हैक नहीं कर सकता है। हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, असंभव तो नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माना में ऐसा कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हैक नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कैसे करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने से क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, आप अपने व्हाट्सएप में क्या बात कर रहे हैं, क्या किसी से चैट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, इस आपका जानकारी किसी को मालूम ना पड़े, इसलिए टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना व्हाट्सएप में बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कैसे करते हैं व्हाट्सएप में। सो हे गाइस, चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के लिए आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आपके सामने बहुत तरह तरह के सेटिंग आ जाएगा। आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। आपको सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन है। दोस्तों, आपको इनेबल पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के लिए आपसे 6 डिजिट का पिन आएगा। आपको दोस्तों, आप अपने मर्जी से 6 अंक का पासवर्ड चूज कर सकते हैं। चलिए मैं अपना पासवर्ड चूज करता हूँ। दोस्तों, फिर से आपको वही पासवर्ड रिटाइप करना है। रिटाइप करने के बाद में दोस्तों, आपसे एक ईमेल आईडी मांगेगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप ईमेल आईडी से रिकवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालता हूँ। दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ईमेल आईडी डालने के बाद में दोस्तों, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, कन्फर्म के लिए फिर से आपको ईमेल आईडी रिटाइप करना है, वही ईमेल आईडी। चलिए मैं टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद में दोस्तों, आपको सेव पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर डन का ऑप्शन आएगा, आपको डन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 3 तरह का सेटिंग आ गया। सेटिंग आने के बाद में डिसेबल, दोस्तों आप चाहते हैं इसे टू स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। चेंज पिन है दोस्तों, आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी पिन कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज ईमेल एड्रेस, दोस्तों आप ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद में चलिए दोस्तों, मैं अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन किया था। यहाँ पर पिन मांग रहा है, जब तक मैं पिन नहीं डालूंगा जब तक इस व्हाट्सएप एप्लीकेशन को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, आप इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप में पिन वेरीफाई टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं, ताकि आपका व्हाट्सएप कोई यूज ना कर सके। आप इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उसे भी मालूम पड़ जाए कि टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कैसे करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं टेक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी जैसे वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मैं आनंद कुमार चौधरी फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।